Under the course of trends and issues in early childhood education, uh, we were talking about alternative assessments. And one of the alternative assessment is to assess the play. So today we are going to discuss play-based assessment. So as the assessor, the early childhood educator makes numerous decisions during the assessment process. Uh, that is, when to change the play prop, what kind of props to use. When to टू stimulation टू द the play theme, वन to मीडिएट वन to एक्टिवली एंगेज इन द play प्रोसेस एंड वेन to एंड द play प्रोसेस अब जैसे हमने कहा था कि क्लासरूम में मुसलसल हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है हमारी अल्टरनेटिव असेसमेंट यही है कि हमें वन टाइम पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं चाहिए हम चाहते हैं हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दें जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्ले एक्टिविटी है और फिर हम उनको ऑब्जर्व करें और ये देखें कि बच्चे उसमें कैसे बिहेव करते हैं वो डिसिप्लेंड हैं वो कलेबोरेटिव हैं वो उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो हमें उनको प्ले के अंदर भी जज करना है असेस करना है उसके लिए हम ये आपको बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें आपने पहले से जॉट डाउन करनी है आपको अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है कि जब बच्चे खेल रहे हों तो आप खेल में कैसे इंटरवीन कर सकते हैं एज अ फेसिलिटेटर एज अ गाइड तो हम देख रहे होंगे कि हमें किस तरह के प्रॉप्स देने हैं यानी क्या एक्टिविटीज हमें डिजाइन करनी है क्या बताना है बच्चों को क्या करने जा रहे हैं फिर जब वो कर रहे होंगे तो हमने देखना है उस क्ले उस वो जो प्ले उस वक्त चल रहा होता है उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है एडमिनिस्टर कैसे करेंगे मतलब क्या पहले क्या बाद में उस दौरान क्या होगा कितने साथी हिस्सा ले रहे होंगे टीम कैसी होगी और बच्चे का रोल उसमें किस तरह से होगा तो फिर हमने उनको उसमें इंगेज भी करना है अगर हम कभी देखें कि बच्चे उस प्ले का हिस्सा नहीं बन रहे तो हमें उनको मोटिवेट uh, करना है ताकि वो उसके अंदर शामिल हो सकें सो देन वी हैव टू प्रिपेयर अ प्ले बेस्ड असेसमेंट ऑब्जर्वेशन लॉग दैट इज कीप टू वेरियस लर्निंग एरियाज एंड सोशल कॉन्टेक्स विद इन द क्लासरूम इन द लास्ट मॉड्यूल वी टॉक्ड अबाउट रियोब्रिक्स हमने कहा कि र्यूब्रिक्स हमें डिफरेंट uh, लेवल्स बताती है और उन कॉलम्स में लिखते चले जाते हैं कि इब्तदाई तौर पर बच्चे क्या कर सकते होंगे थोड़ी देर के बाद जब उनकी प्रोग्रेस हो जाती है जब कुछ इल्म आ जाता है कुछ तरीके आ जाते हैं या कुछ मैनर्स वो सीख लेते हैं फिर वो क्या करते हैं उसके बाद मास्टरी लेवल क्या होता है और फिर आउटस्टैंडिंग उनका लेवल क्या होगा तो हमने इसी तरह प्ले के लिए भी एक लॉग बना लेनी है कि बच्चे कैसे शरीक हुए खेल में फिर वो किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं खेल के जो रेगूलेशन हैं उनको किस तरह से वो मुकम्मल कर रहे हैं उस पर कैसे अमल कर रहे हैं और फिर वो कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या वो एक्टिवली कर रहे हैं या मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं या यूं समझिए कि मूड टेंट्रम्स आते हैं उन टेंट्रम्स को हमने देखना है कि वो कितनी दफ़ा गुस्सा में आया है या वो अकोमोडेट कर रहा है सोशली वो इतना मेच्योर हो रहा है कि दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से डील कर सके तो एक लॉग या रूब्रिक हमें पहले से बनानी है ये रूब्रिक जब होगी हमारे पास तो हमें मुशाहिदा करना आसान होगा और हम लिख सकेंगे कि बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है सो कीप ट्रैक ऑफ वेयर अ चाइल्ड प्लेस इन द क्लासरूम दूसरी बात यह है कि जब प्ले है तो वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा ऐसी लिमिटेड एक्टिविटी नहीं है बच्चा वो किसी भी वक्त कहीं भी मौजूद हो सकता है टीम के बाहर भी टीम के अंदर भी और कई दफ़ा तो आपने देखा है बच्चे ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें खेल का हिस्सा हैं कहीं वो लीड कर रहा होता है कहीं वो फॉलो कर रहा होता है तो हमने ये देखना है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रोल्स में उस खेल में क्या किरदार अदा कर रहा था देन डॉक्यूमेंट वेदर अ चाइल्ड प्लेज द लोन विद वन एन अदर चाइल्ड और विद टू और मोर चिल्ड्रेन हमें यह देखना होगा कि उसका सर्कल क्या है सोशल सर्कल क्या है अकेला खेल रहा है दो लोगों के साथ खेल रहा है या दो से ज़्यादा कलेबोरेशन करना भी उसके लिए आसान है तो so, हम कोशिश ये करेंगे कि जो एक्टिविटी खेल के दौरान हो रही है एक तो प्री डिसाइडेड हो फिर उसके मुताबिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में मौजूद हो जो र्यूब्रिक भी हो सकती है जिसको हम लॉग भी कहते हैं जैसे पूरी डिटेल देना और कुछ इंडिकेटर्स पहले से मौजूद होते हैं कि बच्चा क्या करेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ठीक है यानी अब दूसरे को इनवाइट कर रहा है लीड कर रहा है फॉलो कर रहा है कहाँ पे क्या कर रहा है और इस तरह से एक पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर लेंगे ये हमें बताएगा कि जब वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में इस तरह से नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको हिदायत दे रहे हैं वो आज़ाद है वो खेल रहा है तब वो कैसा बिहेव करता